दोस्तों स्वागत है आपका नॉलेज कोच यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जॉब वर्क के ऊपर, जॉब वर्क अंडर जीएसटी। जॉब वर्क क्या होता है, जॉब वर्क के ऊपर जीएसटी का क्या रेट होता है, और जो प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर होता है और जॉब वर्क होता है, जॉब वर्कर होता है, उसे क्या क्या कंप्लायंस करनी होती है अंडर जीएसटी। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं। सबसे पहले बात आती है कि जॉब वर्क होता क्या है। जब एक प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर कुछ रॉ मटेरियल ये सेमी फिनिश गुड्स जॉब वर्कर के पास भेजता है उसे फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए, या उसको कुछ उसमें चेंज या मॉडिफिकेशन कराने के लिए, और जॉब वर्कर उसे एज पर प्रिंसिपल मैन्युफैक्चर के अनुसार उसे चेंज करके या उसे फिनिश प्रोडक्ट बना के वापस प्रिंसिपल मैन्युफैक्चर के पास भेज देता है। तो इस पूरे प्रोसीजर को हम जॉब वर्क कहते हैं। अब बात आती है कि जॉब वर्क के ऊपर जीएसटी का क्या रेट है। जॉब वर्क के ऊपर जो जीएसटी का रेट है पहले 18% था, अब गवर्नमेंट ने घटा के उसे 12% कर दिए गए। पर जो डायमंड सप्लाई पे जॉब वर्क का रेट पहले 5% था, अब उसे 1.5% कर दिए गए। बट इसमें एक थोड़ा सा गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है कि अगर जो प्रिंसिपल मैन्युफैक्चर है अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो जो जॉब वर्कर है उसको 18% जीएसटी पेड करना पड़ेगा। अगर प्रिंसिपल मैन्युफैक्चर रजिस्टर्ड है तो जॉब वर्क के ऊपर जो जीएसटी का रेट है वो 12% लगेगा। अब बात आती है कि जब जो प्रिंसिपल मैन्युफैक्चर अपना रॉ मटेरियल या सेमी फिनिश गुड्स जॉब वर्कर के पास भेजता है तो उसे क्या क्या रिकॉर्ड या डाटा मेंटेन करने की आवश्यकता है। सबसे पहले जब वो अपना रॉ मटेरियल जॉब वर्कर के पास भेजता है उसे एक चलान इशू करना होगा, उस चलान पे वैल्यू क्वांटिटी ये सब उसमें मेंशन रहेगा। दूसरा उसे एक रजिस्टर मेंटेन करना होगा जिसपे उसे पूरा डाटा रहेगा क्या मटेरियल कब और क्या क्वांटिटी और किस वैल्यू को उसने जो वर्कर के पास भेजा, और वहाँ से जब वो फिनिश प्रोडक्ट बन के आया तब उस पर क्या वापस आया, अगर उसमें कुछ वेरियंस है तो क्यों है, वो आपको वहाँ पर नोट करना पड़ेगा। और दूसरी बात आती है कि क्या जो वर्कर जो जो वर्क के लिए रॉ मटेरियल परचेज करता है जो प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर है क्या उस पर ITC ले सकता है जीएसटी का। हाँ, जो प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर है जब वो रॉ मटेरियल परचेज करता है जो वर्क कराने के लिए तभी वो उसका ITC ले सकते हैं अंडर जीएसटी। बस इसमें एक क्लाउज है, अगर वो रॉ मटेरियल जो वर्क कराने के लिए भेजता है तो एक साल के अंदर वापस प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर फैक्ट्री में आ जाना चाहिए, अदरवाइज उसको जो भी उसने ITC लिया है उसे रिवर्स करना होगा। और कैपिटल गुड्स के केस में इसका जो पीरियड है वो 3 साल है, यानी कोई अगर कैपिटल गुड्स अपने रिपेयर मेंटेनेंस के लिए भेजी है तो 3 साल के लिए वापस आ जानी चाहिए। अब हमारा इसमें लास्ट क्वेश्चन आता है कि क्या जॉब वर्कर या प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर को कोई रिटर्न फाइल करनी आवश्यक है। जी नहीं, अगर जॉब वर्कर को इसमें कोई रिटर्न फाइल करनी कंपलसरी नहीं है जॉब वर्क के लिए। अगर जॉब वर्कर की टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा है और तो उस केस में उसे अपनी GSTR-1 जो भी वो फाइल करता है एक नॉर्मल टैक्स पेयर उसे फाइल करनी है। बट स्पेशल जॉब वर्क के लिए प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर को एक ITC-04 फॉर्म है उसे फाइल करना होगा। दोस्तों थैंक यू, अगर आपको वीडियो में कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। अगर आपको ये पूरा आर्टिकल पढ़ना है तो मैं इसका लिंक नीचे वीडियो के नीचे दे दूंगा, वहाँ से आप उस लिंक से जाके से पढ़ सकते हैं और डायरेक्ट भी आप इस पर विजिट कर सकते हैं। A2ZAccountingSchool.com वेबसाइट है, यहाँ पे मैंने आर्टिकल लिखा हुआ है, इससे भी आप इसे पढ़ सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू।